आज बना रहे हैं हम आलू शिमला मिर्च और बॉईल आलू है आज। तो बॉईल आलू के साथ आज बनाएंगे शिमला मिर्च की भजिया बढ़िया सी एकदम, क्योंकि आज कच्चे आलू हो गए थे ख़त्म, सुबह आलू उबाले थे तो वो रखे हुए थे फ्रिज में, तो सोचा कि आज दोनों को मिक्स करके आज बढ़िया से लजीज आलू शिमला मिर्च की भजिया बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो भजिया कैसे बनेगी। तो ये देखो लहसुन कर लिया है कटिंग और उधर कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर काट रही हूँ फटाफट से प्याज टमाटर सब काट के साथ के साथ तड़का भी लगाते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको कि बनानी किस तरीके से है, तो फटाफट से बन भी जाएगी। तो ये देखो ये काट रही हूँ अभी प्याज, ये देखो ये डाल रहे हैं अभी ऑयल, इतने लहसुन और प्याज फ्राई होंगे तो हम क्या करेंगे जल्दी से हम इतने टमाटर और हरी मिर्ची कटिंग करके तैयार, अभी कटिंग कर रहे हैं फटाफट से हम टमाटर और हरी मिर्ची, इतने हो जाएगा हमारा तेल गरम। तो ये देखो आपने इस तरीके से टमाटर काटने हैं छोटे छोटे से, ये देखो ये आ गई है हरी मिर्ची, ये आ गया है इसमें जीरा, हल्की सी आ गई है राई और ये डाल दिया है हमने लहसुन, हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन होते ही हमने डाल देने हैं प्याज, ये आ गए हैं आपके प्याज, जब हल्के पिंक हो जाएंगे तब तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आपने बनानी होगी शिमला मिर्ची भजिया तो आप इस तरीके से बीज वगैरह सब बाहर निकाल देना है और इस तरीके से इसको कटिंग करना है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं काटने हैं और ये देखो इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर देने हैं, क्योंकि अगर हम भुजिया अंडे की भी बनाते हैं तो हम इसी तरीके से छोटे छोटे प्याज सब डालते हैं, तो आपने ज़्यादा बड़े नहीं कटिंग करने हैं। ये देखो इस तरीके से आपने निकाल देना है, ये निकाल दिए हैं इसके हमने बीज और इसी तरीके से ये भी निकाल दिया है, ये मार दिए हैं कट और ये मैंने कटिंग कर दी है। इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च को हमने कटिंग कर लेना है फटाफट से, ये देखो हमारे प्याज हो गए हैं और ये डाल दिए इसमें टमाटर और हरी मिर्च ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें ये डाल दिए, ये देखो टमाटर हो गए हैं अच्छे से फ्राई और प्याज भी हरी मिर्ची भी, तो ये डाल दिया गया है इसमें शिमला मिर्च। इसी के साथ में हम मसाले डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, इसमें ये अच्छे से ना पक के तैयार हो जाएगी और फिर हम इसके साथ में आलू डाल के 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाने वाले हैं। ये देखो ये डाल दिए हैं मैंने शिमला मिर्च और ये कर दिया है इसको मिक्स, ये देखो और अब डालूंगी मैं इसके अंदर मसाले। सबसे पहले आ गया ये आपका धनिया पिसा हुआ, ये आ गई है आपकी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डालो, तो मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो तेज नहीं है, और ये आ गई है आपकी हल्दी और अब डालेंगे हम नमक, तो मैं नमक 2 चम्मच डालूंगी क्योंकि मैं हमारे स्वाद में इतना काफ़ी बैठता है। ये देखो इसको कर देंगे अभी अच्छे से मिक्स और 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे और फ्राई होने के बाद इसमें डाल देंगे हम आलू को, अपने बॉईल आलू को इस तरीके से फोड़ लेना है, आपने पूरे नहीं डालने हैं, हल्के हल्के फोड़ लो, ज़्यादा नहीं फोड़ने हैं और फिर जब वो अच्छे से फ्राई हो जाए उसके साथ करके मिक्स कर दे और इसी तरीके से आपके आलू शिमला मिर्च की भुजिया बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो हमारे शिमला मिर्च हो गए हैं अच्छे से फ्राई
और अब डाल देंगे इसमें हम आलू, ये डाल दिया है हमने आलू। अब हम इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक पका देंगे और फिर इस तरीके से हमारे आलू और शिमला मिर्च की भुजिया बन के हो जाएगी तैयार। ये देखो, इसे हम पकाने के लिए मैंने ढक दिया है। जी देखो, हमारी आलू शिमला मिर्च की भुजिया बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको ये नया तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ बताती हूँ, तो ज़्यादा नई भी नहीं है, आजकल नॉर्मल है, सिंपल आप बना सकते हैं। जैसा हमेशा आपको कहते हैं कि एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, घर वालों को बना के ज़रूर खिलाएं, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करना ना भूलें। अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान।